हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सुबह के 9 बज चुके हैं, हम उठ गए हैं, रेडी हो गए हैं, अभी ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि आज ब्रेकफास्ट में क्या है, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और आज हम यहाँ से निकलने वाले हैं। रास्ते में कुछ प्लेसेस कवर करेंगे जो लिस्ट में लिखे हुए थे और आज का व्लॉग भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आप व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। चलो चलते हैं टेरेस पे और ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में है आज गर्मा गर्म पूरियां और ये बीन्स और आलू की सब्जी है, मतलब कि आलू पूरी। और इसमें क्या है स्माइला, देखो इसमें है सेवइयां, वाओ, और ये नारियल की चटनी। हम होटल रूम से निकल चुके हैं और फर्स्ट डे जब हम यहाँ पहुंचे थे तो हम आए थे राजा सीट गार्डन में और हमने आपको बोला था कि हम कल ट्राई करेंगे दोबारा से इस प्लेस पर आने का, लेकिन अगले दिन हम नहीं आ पाए। अब निकलते निकलते हमने सोचा कि एक बार फिर से विजिट कर लेते हैं क्योंकि उस दिन बारिश आ गई थी और अंधेरा भी हो गया था। चलो अब पहुंचते हैं और आपको फिर से विजिट करवाते हैं। सुबह सुबह जब हम उठे थे धूप आ गई थी और जैसे ही हम घूमने के लिए निकलते हैं वहां पे बारिश आ जाती है, तो वहां पे कुछ लोग स्माइरा को पहचान रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव राजा सीट, तो ये राजा की सीट लग रही है मुझे, और ये हमारी रानी क्वीन स्माइरा नरूला। ये यहाँ का व्यू है जो उस दिन हम आए थे रात को तो आपको दिखाया था, लेकिन अंधेरा था, बारिश थी तो अच्छे से दिखाई नहीं दिया, इवन हमें भी दिखाई नहीं दिया। तो अब दिन है और धूप भी आ गई है तो देखिए कितना अच्छा व्यू है, आप उस तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने सीट्स भी लगा रखी हैं, आप यहाँ बैठकर व्यू को एंजॉय कर सको। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पर हम पहुँच चुके हैं, बस थोड़ा सा और आगे जाना है। हम पहुँच चुके हैं और इस प्लेस का नाम है दुबारे एलिफेंट कैंप है, और पीछे देखिए पूरी शॉपिंग स्टॉल्स हैं, फूड कोर्ट है, बहुत ही रौनक है यहाँ पे, और रिवर राफ्टिंग होती है यहाँ, और क्या क्या होता है हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं और फिर एंजॉय करते हैं इस प्लेस पे। स्माइरा, मैंने आपको बोला था ना कि एलिफेंट की राइड लेंगे हम, ये एलिफेंट कैंप है लेकिन यहाँ पे एलिफेंट की राइड नहीं ले सकते आप। क्यों? आप एलिफेंट्स को पास में जाकर देख सकते हो। ओके। इसीलिए इस प्लेस का नाम है एलिफेंट कैंप, और उसका टाइमिंग है मॉर्निंग 9 to 11:30, इवनिंग 4:30 to 5:30। तो अभी टाइम हुआ है 1:30, हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि अब हम आए तो हुए हैं, इस प्लेस को अच्छे से देख के जाए। बारिश तो आ ही रही है जब से हम यहाँ आए हैं, और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है। स्माइरा करना चाहते हो? यस। चलो स्माइरा को हॉर्स राइडिंग करवाते हैं, वो एंड तक जाएगी, एक राउंड करके वापिस आएगी। लंच टाइम हो गया है और स्माइरा खा रही है यहाँ पे मैगी, और ये है हमारे लिए सूपी वेज मैगी, साथ में चाय ऑर्डर की है क्या? हाँ जी, बोला मैंने। अच्छा भैया चाय बना रहे हैं पीछे क्योंकि बारिश हो रही है, चाय तो पीनी चाहिए। बिल्कुल। हम बैंगलोर रहते हैं। इधर मैं भी रहती हूँ। बैंगलोर रहते हो? बैंगलोर में कहाँ रहते हो आप? इधर हमारे पास बैठ जाओ, अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ। ये स्माइरा की फैन है, स्माइरा के व्लॉग्स देखती है, तो आपको सबसे अच्छा व्लॉग कौन सा लगता है स्माइरा का? मुझे उसका जो सेट लाती है ना वो मुझे अच्छा लगता। क्या स्टेशनरी वाला सबसे अच्छा सेट कौन सा लगता है? मेरे पास वो वाला पेन है जो इसमें कलर रहते सारे टाइम। ब्रश पेन? हाँ। अच्छा आपके पास नेम बेटा? सिया। ओके, तो आपको स्माइरा के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, इस व्लॉग में आप भी आ गए, देखोगे ना ये व्लॉग। हाँ, हम क्यू में लग चुके हैं और अभी 3 o'clock हुए हैं
टिकट काउंटर ओपन नहीं हुआ है, फिर भी सब लोगों ने सोचा कि लाइन में तो लग जाते हैं, तभी बारी आएगी और जैसे ही काउंटर खुलेगा हम टिकट लेंगे और जहाँ पे एलिफेंट्स हैं वहाँ तक हमें बोट में लेकर जाएंगे। ये जो लेक आपको दिखाई दे रही है पीछे, इसके अंदर बोट है, बोटिंग के थ्रू हम वहाँ तक पहुँचेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या माहौल है। फाइनली बोट आ चुकी है, क्यू स्टार्ट हो गई है चलनी और कुछ लोग उस तरफ जा चुके हैं, हमारी बारी अभी आएगी। हम बोट में बैठ चुके हैं और बोट चल पड़ी है, किनारे तक हमें जाना है और देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। ये रास्ता है आगे जाने का और हमें नहीं पता है कि कितना आगे हमें जाना है एलिफेंट्स को देखने के लिए। जैसे जैसे लोग जा रहे हैं वैसे वैसे हम उनके पीछे जा रहे हैं। आओ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है, देखिए दुबारे एलिफेंट कैंप। मॉर्निंग इसका टाइमिंग है 9 to 11, इवनिंग 4:30 to 5:30। और ये फॉरेस्ट एरिया है, अंदर स्टाफ भी है। देखो एलिफेंट्स, 3 एलिफेंट्स हैं। ओ वाओ, एक तो दूर ही है वहाँ पे, देखो आगे नहीं आ रहा वो। आप इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, इसको जंप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ यहीं से आपने एलिफेंट्स को देखना है। देखिए हाथी चलता हुआ, स्टाफ है यहाँ पे उनको गाइड कर रहे हैं किस तरफ जाना है, तो वो उनको फॉलो कर रहे हैं। आपके पास चॉकलेट? चॉकलेट तो नहीं है। तो देखो इस तरफ आ रहा है सुमायरा। सुमायरा देखो कैसे ग्रास खाते हैं वो, देखो देखो, अरे वाह। उस तरफ एक बेबी एलिफेंट भी है, तो भैया ने बोला है कि आप उनको टच कर सकते हो, उनके साथ फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। हम जा रहे हैं उस तरफ और आपको दिखाते हैं कि बेबी एलिफेंट कितना क्यूट है। ये देखिए बेबी एलिफेंट, सो क्यूट। मेरा गो, एलिफेंट कैंप से हम निकल चुके हैं और शाम के 5:30 हो गए हैं। यहाँ पे जो भी प्लेसेस ओपन होते हैं वो टिल 6:00 ही होते हैं और किसी ने हमें बताया है कि यहाँ पे गोल्डन टेंपल है, हम वहाँ पे जा रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट का रास्ता रह गया है और 6 बजे तक वो भी बंद हो जाएगा, तो सोचा कि जल्दी से देख लेते हैं गोल्डन टेम्पल और आपको भी दिखा देते हैं। चलो पहुँचते हैं फिर। ये है गोल्डन टेम्पल का गेट, यहाँ से हमें एंटर करना है अंदर और बस 10 मिनट हैं हमारे पास। एंट्री करते ही यहाँ पे देखिए मार्केट है, स्टॉल हैं और बहुत ही बड़ा ग्राउंड है। इस तरफ भी स्टॉल हैं, चलो आगे चलते हैं। ये सामने है मेन टेंपल, लेकिन टेंपल के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं होगा, तो आप बाहर से देख लीजिए। बौद्ध टेंपल है ये, यहाँ का फेमस गोल्डन टेंपल। हम इस तरफ आ चुके हैं, देखिए कितनी बड़ी बेल है, घंटी है मंदिर की। और यहाँ का स्टाफ बता रहा है कि यहाँ पे गोल्ड की कार्विंग की हुई है, जो आप गोल्डन पार्ट इसके ऊपर देख रहे हैं इनमें गोल्ड यूज़ हुआ है। यहाँ पे देखिए फाउंटेन भी है,
और मेन मंदिर के अंदर जाने का रास्ता उस तरफ है, वो दरवाजे हैं। हम अंदर आ चुके हैं और अंदर कैमरा अलाउड है, तो देखिए अंदर से ये टेंपल कितना ब्यूटीफुल है। लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये यहाँ का गोल्डन टेंपल है। ये 3 स्टैचूज जो आप देख रहे हैं टेंपल के अंदर, इसमें बुद्धा जी का जो स्टैचू है वो 60 फीट का है और बाकी के दोनों स्टैचूज 58 फीट के हैं और दे आर मेड विद कॉपर एंड प्लेटेड विद गोल्ड। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई थी जो मैंने आपको बता दी है इस टेंपल के बारे में। हम टेंपल से बाहर आ चुके हैं और यहाँ के स्टाफ ने हमें बताया है कि ये टेंपल 61 ईयर्स ओल्ड है। देखकर लगता नहीं है कि इतना पुराना टेंपल है क्योंकि बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। आपने स्टैचूज जो देखे हैं उनके ऊपर जो गोल्ड यूज़ हुआ है वो 6000 kg गोल्ड यूज़ हुआ है, बाकी अंदर से वो कॉपर का बना हुआ है, सिर्फ पॉलिश जो है वही गोल्ड की हुई है और इतने में ही 6000 kg गोल्ड यूज़ हो गया है। और बहुत ही अच्छा टेंपल है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। यहाँ का स्टाफ जो है बहुत ही कोऑपरेटिव है, आप जितनी मर्जी वीडियोस बना सकते हैं और फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। हमें था कि टेंपल में वैसे मोस्टली फ़ोन अलाउड नहीं होता है, कैमरा अलाउड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप अपनी मर्जी से जितनी भी चाहें फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। और इसीलिए हमने आपको अंदर का पूरा टेंपल दिखा दिया है कि अंदर से कैसा टेंपल है और यहाँ की स्पेशलिटी क्या है। अभी हम यहाँ से निकलते हैं और अगर रास्ते में कोई और अच्छा सा प्लेस हमें दिखता है तो हम ज़रूर विज़िट करेंगे। हमें रास्ते में और कोई भी ऐसा प्लेस नहीं मिला जहाँ पे हम घूम सकें। मायरा के पापा ने गाड़ी सीधी निकाल ली बैंगलोर के लिए और मायरा रास्ते में सो भी गई थी, थोड़ी नींद भी पूरी हो गई है इसकी। और रात के 10 बज चुके हैं, हम मधुर पहुंच गए हैं, डिनर के लिए रुके हैं, हमारा खाना टेबल पे आ गया है। आपको दिखाते हैं कि हमने क्या ऑर्डर किया है। मायरा के पापा का ऑल टाइम फेवरेट मधुर वड़ा और ये मधुर टिफ़िन है। यहाँ का मधुर वड़ा तो वैसे भी बहुत ही लाजवाब होता है, चलो टेस्ट करते हैं। In fact, they are the founder of मधुर वड़ा। Yes, मधुर टिफिन, वहाँ पे आए हैं हम। और सुमायरा के लिए घी मसाला डोसा, साथ में है पनीर फ्राइड राइस और रायता अनियन और कुकुम्बर का। डिनर करके हम बैंगलोर के लिए निकल चुके हैं और हमें 2 घंटे लग जाएंगे पहुंचते पहुंचते, सुमायरा सो भी जाएगी। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे जल्दी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।